वही हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी आज 8 जुलाई को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 79,800 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बता दें कि वही निफ्टी में भी करीब 20 अंक की गिरावट है, ये 24,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 में गिरावट और 12 में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं आज बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट, बता दें कि वहीं ऑटो और पावर शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है।